हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो हमारा नेगेटिव बिलीफ है, जो नकारात्मक जो हमारे विश्वास बन जाते हैं, नेगेटिव बिलीफ बन जाते हैं, इन नेगेटिव बिलीफ को कैसे हम चेंज करें, कैसे हम इसको बदलें। तो दोस्तों, ये जो नेगेटिव बिलीफ को बदलने का जो रास्ता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमें ये समझ में आ जाए कि ये नेगेटिव बिलीफ बना कैसे। आप किसी घर के अंदर घुसते हो, उस घर से बाहर निकलने का आपको तभी पता चलेगा जब आप घुसे कैसे थे, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। आप किसी शहर के अंदर जाते हो, उस शहर से वापस बाहर निकलने का रास्ता आपको तभी समझ में आएगा जब उसके अंदर एंटर हो रहे थे, उस एंट्री का रास्ता आपको बहुत अच्छे से पता हो। मतलब कोई भी चीज़ कैसे बन रही है, अगर हमें वो प्रोसेस बहुत अच्छे से पता चल जाता है, तो उस प्रोसेस में जहाँ पर हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन मिस्टेक्स को अगर सही कर लेवें, तो हमारा जो नेगेटिव बिलीफ है वो चेंज हो जाता है, नकारात्मक जो विश्वास बने हुए होते हैं वो बदल जाते हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि ये नेगेटिव बिलीफ बनता कैसे है। दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक तो है विचार और एक है विश्वास। विचार और विश्वास में बड़ा अंतर होता है। जो विचार होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ विचार होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी या कोई मुझे मार देगा, तो मुझे किसी भी प्रकार की घबराहट फील नहीं हो रही, क्योंकि ये अभी सिर्फ विचार है। या मान लीजिए मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, ये एक विचार है। इस विचार से अभी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इस विचार से परेशानी कब शुरू होती है? जब ये विचार हमारे विश्वास में बदलता है। तो ये विश्वास में कैसे बदलता है? अब जैसे मान लीजिए दिमाग में ये थॉट है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो मैं अपने घर से मार्केट में गया। मार्केट के अंदर एक शॉप है, उस शॉप के आगे 10 जने खड़े हैं, वो सभी सामान खरीद रहे हैं, और मैंने भी दुकानदार को बोला कि भाई साहब मुझे ये सामान दे दीजिए, मुझे घर जाना है, जल्दी हो रही है, मेरे मुझे जल्दी पहुँचना है, कोई घर पर विशेष काम है। तो मैं उनको ये बात बोल रहा था। अब उन्होंने पहले मुझसे पहले जो 8-10 जो ग्राहक थे, उन ग्राहक को डील किया, उसके बाद में उन्होंने मुझे सामान दिया। तो अब यहाँ पर मेरे दिमाग में ये थॉट क्रिएट हो रहा है, देखो मुझे ज़रूरत था तब भी इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, और इन्होंने दूसरे 10 लोगों को तवज्जो ज़्यादा दी, मुझे कम तवज्जो दी, मुझे सबसे लास्ट में इन्होंने डील किया, इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं करते, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये 10 लोगों को डील करिया, अगर ये मुझे पसंद कर रहे होते तो ये सबसे पहले मुझे डील करते। क्योंकि हमारे दिमाग में पसंद का भी एक क्राइटेरिया डाला हुआ है कि आप जब किसी को पसंद करते हो तो आप सबसे पहले उससे बात करते हो, तो ये क्राइटेरिया फिर हमारे इस थॉट को मजबूत बना देता है। तो यहाँ पर जब मुझे ऑन टाइम जो डीलिंग नहीं मिल पा रही होती, उसके कारण खराब फील होता है, और जब खराब फील होता है, ये खराब फील होना और दिमाग में ये जो थॉट कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, देख लो ये मुझे लेट डील कर रहा है, इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं करता, और उसके कारण मुझे खराब फील हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशनिंग हो गई। किस चीज़ की कंडीशनिंग हो गई? कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, और खराब फीलिंग, ये फर्स्ट टाइम कंडीशनिंग हुई है। मतलब एक सिचुएशन के अंदर ये जो थोड़ा थॉट था, हमारा विचार था, ये विचार थोड़ा सा 10% मजबूत बना, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से मैं अपने घर गया, घर जाने के बाद में मैं सारा सामान खरीद के घर लेके चला गया, मुझे बहुत ज्यादा पसीना सा आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी से लग रही है, मैं बहुत ज्यादा थक सा गया हूं, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं जैसे ही घर जाता हूं तो घर जाते ही सब लोग मुझे पानी पिलाए, मुझे पूछे, सामान जो लिया है सामान को लेके घर के अंदर रखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो मेरे एक्सपेक्टेशंस थे। उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जब नहीं हुआ तो मुझे खराब सा फील होगा। अब खराब सा फील हो रहा है तो फिर वही दिमाग में थॉट रिकॉल हो रहा है मेरे कि देख लो कि ये अगर मुझे पसंद करते, मेरी केयर करते, तो ये बाहर आते, सामान को लेके अंदर जाते, लेकिन ये नहीं आए, इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं कर रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये वाला थॉट और खराब फीलिंग, जो एक्सपेक्टेशंस था कि वो आएंगे पर वो आए नहीं, तो यहाँ मुझे क्या हो रहा है, खराब फीलिंग हो रही है। तो ये खराब फीलिंग और जो दिमाग में थॉट कंक्लूजन जो बन रहा है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे, ये और ज्यादा मजबूत हो रहा है। इस बार थोड़ी फीलिंग्स और ऐड हो रही है, 20% फीलिंग्स ऐड हो चुकी है। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग में जैसे मैंने एक पेवलोव एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ में शेयर किया था। पेवलोव एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डॉग के सामने घंटी बजाया, डॉग ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने डॉग के सामने खाना रखा तो डॉग के सलाइवेशन होने लग गया, लार आने लग गई। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो डॉग है उसके सामने घंटी बजाई और उसके साथ में खाना दिया तो डॉग के सलाइवेशन हो रहा था। तो इसको कई दिनों तक किया। तो चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखी। क्या देखा कि डॉग के सामने सिर्फ घंटी को बजाया
तो भी डॉग के क्या हो रहा था, सलाइवेशन आ रहा था, लार आ रही थी। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जो घंटी है उसके अंदर भी किसकी प्रॉपर्टीज आ रही थी, खाने की प्रॉपर्टीज आ रही थी। वो क्यों आ रही थी, क्योंकि कंडीशनिंग हो रही है, दो चीजों की आपस में क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है। जहां पहले घंटी जो एकदम न्यूट्रल थी, जो किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रही थी, अब वही घंटी इमोशनल रेस्पॉन्स क्रिएट करने लग गई। उसी तरह से जहां पहले ये थॉट था कौन सा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ये थॉट पहले किसी भी प्रकार का इमोशनल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहा था, अब इस थॉट के साथ में सिचुएशंस की क्या हो रही है, कंडीशनिंग। कौन सी सिचुएशन, जहां मुझे खराब फील होता है। शॉप वाले में भी मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मुझे जल्दी से सामान दे दिया जाए, वहां सामान नहीं मिला तो मुझे खराब फील हुआ। तो जो दिमाग में थॉट है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, और यहां पर जो खराब फीलिंग सिचुएशंस, इनकी आपस में क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है। फिर जब मैं घर जा रहा हूं तो एक्सपेक्टेशन है कि लोग, जो घर वाले हैं, वो मेरा सामान लेके अंदर चले जाएं, मुझे पानी के लिए पूछें, मुझे शरबत के लिए पूछें, मुझे जूस के लिए पूछें। उन्होंने मुझे पूछा नहीं तो मुझे खराब फील हुआ। यहां पर इसकी कंडीशनिंग उस थॉट के साथ में हो रही है। तो यहां पर जो हमारा दिमाग में जो थॉट था, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है पता है आपको, फीलिंग्स देने वाले थॉट में। और जो थॉट फीलिंग देता है वो हमारे बिलीफ का पार्ट होता है। तो ऐसे धीरे धीरे सिचुएशंस ऐड होती जा रही है। अब 20% कंडीशनिंग हो गई। मैं मेरे ऑफिस में गया, ऑफिस के अंदर क्या है कि जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर हुआ, मेरे जो सामने जो कलीग्स है वो सामान्यतः मजाक उड़ाते हैं, वो उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई, तो मुझे वहां पे अच्छा फील नहीं हुआ। जब मुझे अच्छा फील नहीं हुआ तो यहां पर फिर एक कंडीशन सिचुएशंस क्रिएट हुई, मजाक उड़ाना, अच्छा फील नहीं होना। तो मेरा यहां पर कंक्लूजन कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, पसंद करते तो ये मेरा मजाक नहीं उड़ाते, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं इसका मतलब पसंद नहीं करते, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। वहां पर फिर ये थॉट और फीलिंग खराब, इनकी फिर से कंडीशनिंग हुई। अब मेरी जो फीलिंग्स है इस थॉट के साथ में 30% स्ट्रांग हो गई है। इस तरह से धीरे 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 ये जो थॉट और इससे एसोसिएटेड जो फीलिंग्स है, इसकी आपस में कंडीशनिंग होते चली जाती है। और फाइनली जो मेरे दिमाग में ये जो थॉट आता है ना कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ये मेरा किसका पार्ट बन जाता है, बिलीफ का पार्ट बन जाता है। ये बिलीफ जो बना है ना, ये अलग अलग सिचुएशंस में जो मुझे फील हुआ है, उन अलग अलग सिचुएशंस की कंडीशनिंग की वजह से ये थॉट मेरा बिलीफ में कन्वर्ट हुआ है। समझना दोस्तों, ये जो नेगेटिव बिलीफ बनता है ना, बिलीफ जो हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट करता है, अब जब भी मेरे दिमाग में ये आएगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली वहां पे खराब सा फील होने लग जाता है, मुझे अजीब सा फील होने लग जाता है। तो लोगों का थोड़ा सा भी एडवर्स बिहेवियर कहीं पर भी देखता हूं, ये थॉट वापस रिकॉल होता है, मुझे ऑटोमेटिकली अब खराब फील होने लग जाता है, क्योंकि इस थॉट से फीलिंग्स एसोसिएट हो चुकी है। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, भले उनका कोई सा भी मोटिव हो, भले उनका कोई सा भी पर्पज हो, लेकिन मुझे तो खराब फील होने लग जाता है। कहीं पर भी हंस रहे हैं, कहीं पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं पर भी मेरे फेवर में नहीं बोल रहे, तो मेरे दिमाग में यही थॉट रिपीट होता है और मुझे खराब सा फील होने लग जाता है, क्योंकि इस थॉट के साथ में फीलिंग्स की कंडीशनिंग हो चुकी है। ये जो है, ये तरीका है किसका, एक नेगेटिव थॉट का किस में कन्वर्ट होना, एक नेगेटिव बिलीफ में कन्वर्ट होना, ये तरीका है। अब इस तरीके से क्या बना है, नेगेटिव बिलीफ बना है। अब नेगेटिव बिलीफ बना है तो अब हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बिलीफ। इस नेगेटिव बिलीफ को ब्रेक करना है। तो नेगेटिव बिलीफ को हम ब्रेक कैसे करेंगे, सीधा हम अपने आप को खाली पॉजिटिव देते रहें तो क्या हम इसको ब्रेक कर लेंगे? खाली आप पॉजिटिव अपने आप को करते रहोगे तो इससे ब्रेक नहीं होगा। हमें जैसे अलग अलग सिचुएशंस में फीलिंग्स की कंडीशनिंग हुई है, अलग अलग सिचुएशंस में फीलिंग्स की कंडीशनिंग हुई है, अलग अलग सिचुएशंस में हमने ये कंक्लूजन और फीलिंग्स को आपस में कनेक्ट किया है, तो हमें अलग अलग सिचुएशंस में ही अपने आप को री एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। जो ये कंडीशनिंग हुई ना, उसको रिकंडीशन करना पड़ेगा। रिकंडीशन का मतलब कैसा है, हमें जो भी एडवर्स इवेंट्स हमारे सामने हो रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में हो रहे हैं, उन एडवर्स इवेंट्स के अंदर अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेनेशंस देने होंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला जो इवेंट था, जो शॉप वाला इवेंट था, वहां पर मैंने क्या एक्सप्लेन किया, वहां पर मैंने इसका पर्सनल एक्सप्लेनेशंस दिया। ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्या था कि यार ये तो जानबूझ के मुझे डिले करवा रहा है, ये दूसरे लोगों को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, मुझे तवज्जो नहीं दे रहा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि यहाँ पे सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन कि भाई ये जो 10 लोग हैं, इन लोगों के लिए भी जल्दी है, इन लोगों को भी घर जल्दी जाना है, इसलिए इन लोगों को डील कर रहे हैं, और पहले ही मुझसे ये आए हैं, इसलिए जो शॉप वाला है वो इन लोगों की पहले सुन रहा है, इन लोगों को पहले सामान दे रहा है, इसलिए मुझे लास्ट में दे रहा है। ये एक सिचुएशन है, अदरवाइज वो मुझे पसंद करता है। पहले भी मैं जब उसके पास में जाता था तो वो मुझे तवज्जो देता था, लेकिन जब ग्राहक ज्यादा होते हैं और वो पहले आए हुए होते हैं तो वो उनको डील करता है। तो ये एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन हो गया। घर पे आया, घर वालों ने मुझसे पूछा नहीं खाने के लिए, जूस के लिए, भाई सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, और जब वो बिजी थे, और सामान्यतः जैसे ही मैं घर पे आता हूँ तो मैं खुद ही पानी और जूस पी लेता हूँ, मैं उनको कहता नहीं, तो उन लोगों की इस चीज़ की हैबिट नहीं पड़ी हुई, इस कारण उन्होंने मुझे नहीं पूछा।
तो यहां पर भी एक सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन, अगर यहां पर आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दोगे ना तो फिर से खराब फील होगा और उस थॉट की, इस फीलिंग के साथ में कंडीशनिंग हो जाएगी। तो हमें हर एक सिचुएशन में अपने इस थॉट को ब्रेक करना होता है, थॉट को चैलेंज करना होता है, और वो भी अलग अलग सिचुएशंस में। ऐसे नहीं है कि आपने सर मैंने अपने आप को बस पॉजिटिव बोल दिया है, अब मैं एकदम पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ, मुझे मैं पॉजिटिव हूँ। ऐसे बोलने से हम पॉजिटिव नहीं होने वाले, हमें अलग अलग सिचुएशंस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें अलग अलग सिचुएशंस में जो CBT का जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम हमारे नेगेटिव बिलीफ को ब्रेक कर पाएंगे। कंडीशनिंग हुई है तो वापस हमें रिकंडीशन करना ही पड़ेगा, तभी हम हमारे नेगेटिव बिलीफ को ब्रेक कर पाएंगे और पॉजिटिव बिलीफ का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।